नमस्कार मित्रों, आपका दोस्त और होस्ट संदीप कुमार शर्मा। कैसे हैं मित्रों आप? आशा आप बहुत मज़े में होंगे और आपके दुआओं से मैं भी एकदम आनंद में हूँ। तो चलिए, आज आप सोच रहे होंगे बैकग्राउंड में कोई भी म्यूज़िक नहीं, क्या बात है। तो बिल्कुल, आज बैकग्राउंड में म्यूज़िक हम इसलिए नहीं करेंगे, नहीं रखा हमने, क्योंकि हम म्यूज़िक पे ही काम करेंगे। क्योंकि पिछली बार हमने सीखा था रीपर में कि इस तरह से हम मिडी जो है कंट्रोलर को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ऐड करेंगे, या किस तरह से VST को हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। तो वो सब बताया था मैंने आपको। आज हम मिडी पे ही काम करेंगे, मिडी रिकॉर्डिंग किस तरह से करते हैं वो सब कुछ हम साइड बाय साइड देखेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें एक ट्रैक बनाना पड़ेगा, या तो पहले ट्रैक बना ले, नहीं तो बाद में बना ले। कंट्रोल प्लस डबल इंसर्ट दबाएं, पहले चेक कर लेते हैं हमारा कीबोर्ड चालू है क्या। बिल्कुल करेक्ट, कीबोर्ड सही है, हमारा ऑन है। तो अभी हम यहाँ पर, ये जो आपने साथ सुना ये कीबोर्ड का है आपके, इसका नहीं है ये रीपर का। अब हम कंट्रोल प्लस इंसर्ट दबाते हैं डबल बार, पहले एक बार कंट्रोल, दो बार इंसर्ट। इंसर्ट वर्चुअल वर्सेस टी सीजी हाइफन माइंस टीन फॉर वर्सेस टी सीजी हाइफन माइंस टीन फॉर टीन हाइफन माइंस सिंथेटिक वर्सेस टी सीजी हाइफन माइंस टीन फॉर टीन हाइफन माइंस सिंथेटिक एक्स versus T, CZ. Hyphen minds teen 14 hyphen minds. Synthetic, X versus T, DS. Do hyphen minds versus T, E. Hyphen minds. Piano module, F, E. Hyphen minds. Piano module. एक बार skip करेंगे, FX को भी skip कर देंगे. Consolid. तो हमारा Then, अब हम कुछ बजाने का प्रयास करेंगे, इसमें रिकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट एम देखते हैं, मेट्रोनोम चालू है क्या। मेट्रोनोम ऑन, मेट्रोनोम ऑन है हमारा, ट्रैक हमारा आर्म्ड है। और मिडी रिकॉर्डिंग में कोई ज्यादा ऐसी समस्या नहीं आएगी। हम ट्रैक का एक बार नाम चेंज कर लेते हैं, एक ए हाइफन माइंस पियानो मॉड्यूल आर्म्ड शून एड ट्रैक नेम, तो इसका नाम F2 दबाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एम सेलेक्ट यू एस आई सी Pain. एक म्यूजिक आर्म, म्यूजिक आर्म्ड बोल रहा है ये, तो इसका मतलब रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं क्या बजाए। ओके गुड, तो मैं कुछ प्ले करने की कोशिश करता हूं, तो मैं रिकॉर्ड करके और आपको फिर सुनाऊंगा ना। तो मित्रों, हमने एक रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ। ज़्यादा अच्छी तो, अच्छा तो बजाना मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी अपन तो प्रैक्टिस के लिए सीख रहे हैं, तो प्ले करेंगे। रिकॉर्डिंग करने के लिए आर दबाएंगे, रिकॉर्ड होने के बाद 1 2 3 4 एक बार छोड़ना है, उसके बाद फिर रिकॉर्ड करना है। तो हम देख लेते, पहले कंट्रोल शिफ्ट जे दबाएंगे, 22 मैन 29.36, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई अपन से, तो इसको अभी सही कर लेते हैं हम। तो Alt V दबाएंगे ताकि हम बार और बीट पे सिलेक्ट कर ले इसको। Master track media file master full go zoom time cast time minutes measures विराम time time और ruler sub menu पे जा रहा है। Cast time unit for ruler sub menu minutes measures console। अब हमारा एकदम सही हो गया, control plus shift plus J दबाएंगे। एक सेकेंड। Bar 507 beat 14%। Okay, W दबाएंगे। Bar 10%। Play। Okay, तो ये गड़बड़ हो गया क्योंकि मैंने पहले जान नहीं दिया था। चलिए मैं इसको अब सही कर लेता हूँ, फिर से रिकॉर्ड कर लेता हूँ आपके सामने। तो हम पहले वाला डिलीट कर देते हैं सारा, ताकि कोई 101-1 आइटम टोटल डिलीट कर दिया। म्यूजिक आर्म्ड 0 आइटम्स 3%। 1%, 95%, 91%, 1%, बार 10%। ठीक है, 10% कोई भी यहाँ पर एक ही है, ये रिकॉर्डिंग कर देते हैं हम यहाँ पर, या फिर मैं इसको भी डिलीट ही कर देता हूँ। कंफ्यूजिंग तो एक ट्रैक नो ट्रैक नो ट्रैक। ओके, हम फिर से एक बार कंट्रोल शिफ्ट इंसर्ट वर्चुअल वर्सेस टी डीएस दो वर्सेस टी
ई हाइफन माइंस पियानो ई हाइफन स्किप किया कंसोल किया। अब यहाँ पर ट्रैक का नाम हम चेंज कर देते हैं, इसका ट्रैक का नाम एक है एक ई तो हम इसको एड ट्रैक ने एफ टू दबाते हैं और यहाँ पर एम यू आई सी पेन म्यूजिक लिख दिया मैंने म्यूजिक आर्म्ड शून्य। अब हम चेक करते हैं इसको कंट्रोल शिफ्ट जैसे बार एक बीट एक बार एक बीट एक एक ही है। तो अब हम देखिए अब हम रिकॉर्डिंग करते हैं आपके सामने, आपको मैं सामने ही रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ, जो भी गलती होगी अब लाइव होगी। 1 2 3 रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्ड तो जैसा वैसा हमने रिकॉर्ड कर लिया, आप सुन लेते हैं प्ले। इसमें थोड़ा कॉपीराइट का डर लगा रहता है, इसलिए थोड़ा सा गलत तो बजाना ही पड़ता है। ठीक कर लेता हूं ना, तो अब हम रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं प्ले। थोड़ा सा ओवर बीट चल रहा है ये। Okay, तो आपने सुना कुछ ऑफ बीट, क्या बहुत ज्यादा ऑफ बीट चल रहा है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आप लोगों को समझाया जा सके। तो अब हम यहां पर कुछ विशेष शॉर्टकट देखने लायक है, तो हम भी एक बार शॉर्टकट हेल्प ऑन कर लेते हैं ताकि आपको भी समझ आए। शॉर्टकट हेल्प ऑन हो गया है हमारा। अब देखिए मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है उसको सेट करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल ई दबाएंगे, ऑल्ट कंट्रोल ई, जिससे मीडिया एडिटर खुल जाएगा। आइटम ओपन इन बिल्ट हाइफन माइंस इन मिडी एडिटर सेट डिफॉल्ट बिहेवियर एंड प्रेफरेंसेस। मिडी एडिटर आप इसके अंदर खोल सकते हैं ऑल्ट कंट्रोल ई से। अभी यहां पर हम चेक करेंगे हमारी जो गड़बड़ी है उसको सेट कंट्रोलाइज कैसे करेंगे। तो पहले कंट्रोल शिफ्ट 1 दबाएंगे, ग्रिड सेट 2 एक, ग्रिड सेट 2 एक, एक पर ग्रिड सेट हो जाएगी। दूसरा कंट्रोल शिफ्ट 2, ग्रिड सेट 2 1/2 1/2 पर आपकी ग्रिड सेट हो जाएगी। तीसरा ग्रिड स्लैश कंट्रोल शिफ्ट 3 पे, ग्रिड सेट 2 1/32 ग्रिड सेट स्लैश मतलब 2 1/2 और 32 पर सेट होगी 3200 रुपए, ग्रिड सेट 2 1/4 1/4 पे स्लैश सेट होगी। आप देखिएगा अच्छे से ग्रिड ये ग्रिड सेट 2 1/6 1/4 ट्रिपलेट बंद कोष्ठक 4 ट्रिपलेट होगी। अगला कंट्रोल प्लस 6 शिफ्ट प्लस 6 ग्रिड सेट 2 1/16 पर कंट्रोल शिफ्ट 7 ग्रिड सेट 2
1/24, 1/16, 1/24 और 1/16। मैं इसके विषय में आपको बताऊंगा बाद में। कंट्रोल शिफ्ट ग्रिड सेट 2 1/8, 1/8 कंट्रोल शिफ्ट 8 दबाने से ग्रिड सेट 2 1/12, 1/8 ट्रिपलेट उसके बाद बंद को बस आगे कोई काम का बटन नहीं है इसमें। तो यहां पर देखिए ग्रिड से मतलब मित्रों अगर आपको संगीत का थोड़ा नॉलेज है तो आप ग्रिड के मतलब समझते होगे स्वरों को अपने सही क्रम में लगाना सही तरीके से लगाना ताकि वे क्वांटाइज हो जाए और हमारा जो बीट जो ऑफ बीट चल रहा है उसको हम बिल्कुल सही से अपने हिसाब से सेट कर सकें। अभी हम यहां पर हमने बताया अब आपको क्वांटाइज अगर करना है कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबाएंगे तो ये क्वांटाइज हो जाएगा क्वांटाइज जिससे कि एकदम बीट के साथ चलेगी। SWS/FNG Quantize item positions and MIDI note. तो अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे लिए सही रहेगा तो कंट्रोल एक सेकेंड शॉर्टकट हेल्प ऑफ सही रहेगा हम चेक करते हैं मैं कंफर्म नहीं कंट्रोल शिफ्ट 8 दबाए 8 नोट के लिए ग्रिड 8 अब हम कंट्रोल शिफ्ट क्यू करते हैं प्ले करते हैं प्ले तो हमें लगता है कि लास्ट में थोड़ा गड़बड़ है या फिर हम इसे सेट करना चाहें स्टॉप स्टॉप करेंगे कंट्रोल ऑल्ट ई दबाएंगे मिडी कंट्रोलर को खोलने मिडी एडिटर को खोलने के लिए ऑल्ट कंट्रोल ई ओके तो देन वी प्रेस ऑल्ट कंट्रोल ई मिडी टेक शून्य ओके मिडी टेक खुल गया हमारा बार एक अब आप इसके लेफ्ट राइट एरो करेंगे तो आपको सुनाई देगा गाना देखिए मैं आपको सुनाता हूँ एक चार शून्य मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूँ सुनिएगा शून्य 50% दो पर मुझे लग रहा है गलत है देखिए 50% की आवाज आ रही है दो नोट एक्स्ट्रा एक नोट एक्स्ट्रा लग गया है तो अप डाउन एरो करेंगे अशार्प चार कॉमा पी अशार्प 50% दो ये गलत है तो कौन सा काटू ट्राई करता हूँ पी चार पी अ शार्प शून्य 50 शून्य जी शार्प 50 पी चार पी चार शून्य पीट शून्य पार पार पचास पीट दो 50% दो नोट्स 50 पी चार पी अ शार्प पी ये गलत है ओके बी गलत है तो हम इसको डिलीट की कर देते हैं एक इवेंट रिमूव डिलीट कर दिया हमने अब हम शुरू सुनते हैं एक नोट बजाते हैं मैं लेफ्ट राइट एरो कर रहा हूँ अपने आप बजेगा देखिए शून्य प्रतिशत एक 50% जी शार्प
शून्य पचास जी शार्प जी शून्य पी पचास शून्य पी पचास प्रतिशत पी पार पार चौदह गलत है। ये देखिए ये वाला ये आपको ध्यान से मित्रों सुनना पड़ेगा। पार पी पचास पी पार पी पी पार पी शून्य पी पार चौदह पी एफ शार्प चार कॉमा बत्तीस एक इफ पी पी पार पी पचास प्रति पी पार पी पचास पी पार पार एफ एफ डी शार्प एफ डी शार्प बीट डी शार्प बीट 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 एफ शार्प शून्य पचास एफ शार्प बीट डी शार्प चार डी शार्प बीट बीट एफ चार बीट बीट बी एफ शार्प शून्य प्रतिशत पचास बीट चार दो ये है ना डी एफ चार कौमा बत्तीस एक अब चेक कर लेते हैं प्ले करके ये है पी पचा पी पी पचा पच पी पच पी पच पी पचा पी पच पी पचास प्रति एफ 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 डी शार्प शून्य पचास डी एफ ये एक्स्ट्रा नोट है इसको भी डिलीट कर देते हैं अब हम इसको मिडी एडिटर को स्किप द्वारा बंद कर देंगे तो आप इस तरह से अपने हिसाब से नोट को सुनिए या स्क्रीन रीडर बोल रहे तो आप इसको एक बार इंसर्ट प्लस एस दिस से इसको वो कर लीजिए एक बार मैं साइलेंट करके दिखाता हूं आपको स्पीच मोड ऑफ अब देखिए अब सुबह सुबह जाने की कोशिश करते हैं सुनिए सही है हमारा अब इसको हम स्किप कर देते हैं आप इसे ऑल्ट कंट्रोल ई से भी बंद कर सकते हैं ऑल्ट कंट्रोल ई दबा देते हैं ओके स्पीच मोड बीप्स स्पीच मोड टॉक कंसोलिडेटेड हाइफ या चेक करते हैं प्ले स्टॉप शुरू से लेते हैं बार एक प्ले अब एकदम सही है हमारा अभी हम कोशिश करते हैं कुछ और इसके अंदर चेंज करने का अगर हम चाहें इसके अंदर ही ओवरडबिंग करें तो वो कैसे करेंगे वो भी हम अभी हम चेक करते हैं अभी इधर एक बात ध्यान रखने की है अगर आप चाहते हैं कि इसको पूरा ही आप दूसरे उस पर सेट कर लें मतलब कि पिच इसका सेट स्केल सेट कर लें तो आप इसका स्केल भी सेट कर सकते हैं इसके लिए कंट्रोल ऑल्ट ई दबाना है उसके बाद नमपैड का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें ऑल्ट 8 से आप इसको बढ़ा सकते हैं ऑल्ट नमपैड वो आपको मैं पूरी जानकारी अगर आप चाहेंगे तो बाद में दूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा वो आपको बस वही बात है कि स्वर का ज्ञान है तो आप अच्छे से इसे कर सकेंगे अभी वर्तमान में हम इसी पर करेंगे बाकी आप कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट ई दबाएं और फिर नमपैड नम लॉक ऑफ कर नम लॉक ऑन करके और आप ये प्रयोग कर सकते हैं ठीक है
तो इसकी भी कमांड आपको ज़रूर बताएंगे अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल ज़रूर बताऊंगा कि वो कैसे किया जा सकता है। तो खैर अभी वर्तमान में हम इसको ओवरडब करेंगे, तो ओवरडब करने के लिए हमें एक बार इसको शुरू से ले लेते ट्रैक को। ओके शुरू से है हमारा ट्रैक है ना, तो हम बैक स्लैश की को प्रेस करेंगे यहाँ पर ताकि हम इसे ओवरडब करें। ओके तो चेक करते हैं, रिकॉर्ड करूंगा मैं, पहले बैक स्लैश बैक स्लैश की दबा दिया मैंने, तो अब इसमें देखिए क्या होता है, देखते हैं। VL consolidated बैक स्लैश, तो अभी करते हैं इसको एक सेकेंड। Time selection auto hyphen selected item auto hyphen minds punch, इसको हम एक बार चेक कर लेता कि आपको परेशानी नहीं हो। चलिए मित्रों अब हम ये जैसे हमने एक रिकॉर्डिंग कर लिया, प्ले हो रहा है, स्टॉप। मैं सोचता हूँ इसमें कुछ ड्रम ऐड किया जाए, तो ड्रम के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ट्रैक नया बनाएंगे। अभी इसमें कॉर्ड लगाना आपको मैं चलिए कोशिश करता हूँ, ये भी सिखा देता हूँ ना, तो कंट्रोल टी दबाएंगे ट्रैक के लिए। ट्रैक नेम, अब यहाँ पर ट्रैक नेम पहले हम कंट्रोल या फिर ट्रैक की इसकी क्या जरूरत है ना। चलिए हमने ट्रैक अब बना ही लिया, तो करते कुछ इसका, इसको डिलीट कर देते। चलिए ब्लैंक, ओके तो देन वी पेन, एक दो शून्य आइटम्स, शून्य आइटम्स सेलेक्ट, दो शून्य आइटम्स, एक ट्रैक रिमूव, एक म्यूजिक आर्म, ओके हमने रिमूव कर दिया। अब कंट्रोल डबल इंसर्ट दबाएंगे, insert virtual list versus t class versus t clavio lab versus t e hyphen minds piano versus t forcatic x 86 band koshthak g 200 k। to mitro humne ek guitar ka track add kar liya, dekhiye स्टार्ट रिकॉर्डिंग हम कोशिश करेंगे। वैसे इसमें कोई इतना खास कुछ करने की जरूरत है नहीं, मैं आपको एक बार दिखा रहा हूं अपने ऊपर वाले ट्रैक को, एक म्यूजिक एक आइटम, इसको एक म्यूजिक एक आइटम, ये प्रतिशत जो है क्या है देख लेते इसको, शून्य इसको यहाँ पर हमने इसको अनआर्म कर रखा, आपको मैं दिखा दूं आर्म्ड, ये आर्म्ड है, अनआर्म्ड है। अब दूसरा जो है हमारा रियल गिटार स्टील स्ट्रिंग आर्म्ड, शून्य आइटम, तो हम रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे। ऊपर वाला ट्रैक बजेगा लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं करेगा हमको, तो हम शुरू करते हैं। पहले एक बार बजा कर देख लूं मैं ताकि मुझे कंफर्म हो जाए, मैं रिकॉर्ड करके आपको सुनाता हूं ना। तो मित्रों हमने रिकॉर्ड कर लिया है ट्रैक दूसरा भी, तो हमने दो ट्रैक बनाया, दोनों ट्रैक रिकॉर्ड कर लिया, आपको सुना देता हूँ, कोई ज्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन सुनिएगा। Stop. तो आपने सुना, अब हमने ट्रैक बना लिए दो ट्रैक, आप चाहे तो इसको क्वांटाइज भी कर सकते हैं, कोशिश करते हैं क्वांटाइज करने की और किस तरह से बनता है, वैसे ही जैसे पहले क्वांटाइज किया वैसे ही करना है। हमें यहाँ पर कितने नोट लगे वो देखना है, उसके बाद से क्वांटाइज करना है। मैं अभी आपको करके बताता हूँ थोड़ा सा, देखिए। तो मित्रों अभी हम इसको, चलिए पार्ट हमारा हो गया ऐड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई समस्या नहीं। अभी हम एक तीसरा ट्रैक ओपन करेंगे कंट्रोल इंसर्ट से, insert virtual inst, अब हम यहाँ पर drum add करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, list versus t organ hive versus t organized versus t pox दो x
versus T, piano module versus T, poly synth versus T, polis versus T, real guitar versus T, real versus T, Rio Samplement versus T, Rio Syndiar versus T, Rio Synth versus T, SF Synth versus T, Toad X, 86 band koshta versus T, Wave Sampler versus T, Wavestation X VST, 3 I, Real Guitar VST, 3 I, Real Guitar. तो हम ये सिलेक्ट करते versus T, MT, Hyphen Minds, Power Drum, MT Power Drum Crit, एंटर करेंगे. हमने यहाँ पर एंटर कर दिया और यहाँ पर Insert Virtual Build Routing Conf No Yes No Button Alt Consult MT. अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक विंडो खुल जाता है. Window. ये देखिए विंडो बोल रहा है. अभी हमें इसे क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर हमें OCR का सारा लेना पड़ेगा. तो NVDA यूज कर रहा हूँ तो Insert R दबाएंगे हम. Recognizing Result Document. अब हम नीचे नीचे जाएंगे या आप पेज डाउन करके भी जा सकते हैं. Registration MTPO if you to please eight as this if you want every with a skip. अब ये नीचे skip लिखा, अब सिर्फ space दबा देंगे. हमने space दबा दिया है. ड्रम चालू है हमारा. ओके देन वी विंडो कंसोलिडेटेड हाइफन माइंस कंसोलिडेटेड खुला वर्ग कोष्ठक मॉडिफाइड बंद वर्ग ब्रैकेट हाइफन माइंस रीपर वी रिकॉर्ड करेंगे दो रियल गिटार स्टील स्ट्रिंग रियल गिटार लिखा है तो इसको छोड़ दीजिए. इसका नाम आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं लेकिन कोई अपन नहीं करेंगे इसको, ठीक है ना, बाद में करेंगे. तो अब इसको एक बार रियल गिटार को अनआर्म कर देते हैं ताकि हमें डिस्टर्ब नहीं करे रिकॉर्ड करते समय, नहीं तो ये साथ साथ बजेगा इसके, आपको सुन रहा होगा ना. तो हम इसको बंद कर देते हैं. 1 2 3 4 5 6 तो आर्म को अनआर्म्ड कर दिया हमने. 3 MT ये हमारा आर्म्ड है. पहले हम बजा कर देखेंगे. प्ले I can do. तो हम बजा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसको. तो मैं एक बार रिकॉर्ड करता हूँ इसको और फिर आपको सुनाते हैं. तो रिकॉर्डिंग हमने वापस से रिकॉर्ड करेंगे तो पहले गाना हम प्ले करेंगे, ये बजाएंगे इसमें. ओके आपको सुन रहा होगा बीट. तो आर दबाएंगे तो शुरू करते हैं. देखिए तो हम शुरू करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं ना. तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके फिर आपको, चलिए मैं पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ फिर सुनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो लंबा होगा वीडियो. मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ छोटा करने की. तो मित्रों हमने रिकॉर्ड किया, मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, देखिएगा कैसी लगती है. स्टार्ट प्ले. आपने देखा थोड़ा सा ऑफ बीट चल रहा है तो इसको सेट करते हैं, क्वांटाइज करते हैं. तो सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट हम चेक करेंगे कि किससे क्वांटाइज अच्छे से हो सकता है. तो फिर हम आपके सामने चेक कंट्रोल शिफ्ट हम दबाएंगे, 4 दबा कर देखते हैं ना क्योंकि आपको सही से जानकारी मिले. कंट्रोल शिफ्ट ग्रेट क्वार्टर. अब हम चेक करते हैं या कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबाते हैं फिर कंट्रोल शिफ्ट क्यू. ओके देन प्ले. Thank you.
आपने देखा कि कुछ सारी आवाजें जो है हमारे जब कंट्रोल शिफ्ट फोर किया हमने तो हालांकि बीट पे चल रहा है एकदम बिल्कुल क्वांटाइज है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रहा है तो हम क्या करेंगे फाइल्स एडिट्स अंडू करेंगे अंडू किया मैंने अब कंट्रोल शिफ्ट हम दबाते हैं 6 ओके तो देन ग्रिड 16th ओके देन अब हम कंट्रोल शिफ्ट क्यू करते हैं देखते क्या रिजल्ट निकलते हैं ओके प्ले प्ले तो आपने देखा हालांकि सही है लेकिन थोड़ा मुझे लग रहा है डिस्टर्ब है तो मैं आपको बता रहा हूं अलग अलग करके तो अब हम फाइल एडिट सब अंडू करेंगे अब हम कंट्रोल शिफ्ट और दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाने से देखते क्या होता है तो आपको सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए बराबर तो कंट्रोल शिफ्ट 3 ग्रिड 30 सेकंड करते हैं और अब हम कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबाते हैं क्या रिजल्ट निकलता है ओके प्ले प्ले लग रहा है मुझे लग रहा है आपको भी लग रहा होगा देखिए ठीक है लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे है स्टॉप इसको बंद कर देते हैं इसको अंडू करेंगे कंट्रोल जेड से भी आप कर सकते हैं अंडू रिकॉर्डेड मीडिया प्ले तो सारे गड़बड़ हो गया वापस से करना पड़ेगा मुझे मैं भी करता हूँ एक बार तो मित्रों आपने देखा कि अब हमने इसको क्वांटाइज भी कर लिया मैंने ग्रिड 16 किया इसमें और फिर इसे क्वांटाइज किया अब आप सुनिए आपको परिवर्तन नजर आएगा प्ले तो देखा मित्र आपने कितना बढ़िया से हमने बना लिया तो हमने आज रीपर पे भी म्यूजिक बना लिया एक सिंपल सा म्यूजिक बनाया कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हाईफाई म्यूजिक बनाया हमने एक आपको तरीका बताया आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप और भी अच्छा बना सकते हैं हम आगे भी म्यूजिक प्रोडक्शन पे थोड़ा और काम करेंगे ये तो मैंने आपको एक बार जब सिंपल सी जानकारी दी अगली बार हम नंपैड के जो फंक्शन है इसके भाई पिच को ऊपर बढ़ाने का स्केल को नीचे करने का काफ़ी सारे ऑप्शन और भी हैं जैसे ओवर डबिंग कैसे करते हैं वो सब आपको बताएंगे अच्छे से तो आशा आपको अच्छा लगेगा तो अब मुझे दीजिए इजाज़त आपके दोस्त संदीप शर्मा को अगली बार फिर से हम कोई ज़बरदस्त और शानदार ट्यूटोरियल लेकर आएंगे रीपर का 5वां भाग सुनने और देखने के लिए प्रतीक्षा करें हमारे टेक्नोविट फ्रेंड्स और तकनीक मित्रों के साथ यूट्यूब चैनल पर अगले ट्यूटोरियल का और आप इसी साल इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा टेक्नोविट फ्रेंड्स यानी कि तकनीक मित्रों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 1 में तकनीक मित्रों के साथ व्हाट्सएप नंबर ग्रुप 2 में और डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन इन हिंदी के व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम के तकनीक मित्रों के साथ भी समूह में आप बने रहिए आपको नई नई जानकारी हम देते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि
बाकी लोग ही रीपर पे काम कर सकते हैं, हम जैसे साधारण लोग भी रीपर पे बहुत अच्छे से बजा सकते हैं और उनसे अच्छा बजा सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि लोगों को, मैंने कई लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा इस सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन कई लोगों को बड़ी गलत फहमियाँ हो गई आजकल कि वो बहुत कुछ इस पर कर सकते हैं और हम लोग नहीं कर सकते। तो ऐसी सभी बातों को हम गलत साबित कर देंगे, इन जितने भी ट्यूटोरियल बनेंगे हमारे रीपर पे, सब बातों पर हम गलत साबित करके हम एक बहुत ही अच्छा शानदार म्यूजिक बना सकेंगे। आप लोग अपने हिसाब से इमेजिनेशन कीजिए, अच्छी अच्छी VST डाउनलोड कीजिए, VST बहुत सारी फ्री है, और नहीं तो मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम पर मेरे पास जितनी VST उन्हें अपलोड कर दूं। और इस गिटार और काफ़ी सारी VSTs के लिए मैं सिद्धार्थ जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कर्नाटका से जो है, बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, उन्होंने बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मुझे दी, तब मैं आपके पास ये ट्यूटोरियल पहुँचा पाया हूँ इधर उधर से जानकारियाँ प्राप्त करके। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ मैंने खुद ने ही सीखा है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें मैंने सिद्धार्थ जी से और काफ़ी लोगों से थोड़ा थोड़ा जानकारी प्राप्त करके सीखी है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान को अपने अंदर ही समाहित कर लें, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करते, और हमारे साथ जो लोग हैं वो भी ऐसा बिल्कुल नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम लोग कुछ न कुछ ज़रूर आप लोगों के लिए नया करते रहेंगे, नया प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और प्रयास यही रहेगा कि हम आप लोगों के लिए कुछ और भी अच्छी चीज़ें लाएँ, और आप लोग हमें बताएं कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है तो हमें ज़रूर बताएगा। हाँ, मैं छोड़ के जाता हूँ इन तालियों के साथ, और इसी तरह तालियाँ हमारे ट्यूटोरियल्स और आपके आनंद के लिए बनी रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।